नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। 27 अगस्त 2020 क्या कहते हैं आपको सितारे, आइए जल्दी से जानने का यह प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त होगा 6:43 पर। वार है गुरुवार, तिथि है शुक्ल पक्ष नवमी, योग है विषकंभ और राशि है वृश्चिक राशि 12:30 तक। फिर धनु राशि अभिजीत मुहूर्त है 11:56 से लेकर 12:14 PM तक। और रवि योग आज पूरे दिन बनेगा, राहु काल रहेगा 1:57 PM से लेकर 3:35 PM तक। ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग, या आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और जो भी लोग शुभ समय में शुभ काम करेंगे राहु काल में थोड़ी सावधानी रखेंगे, उनके काम बनते चले जाएंगे। अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी विशेष में बात करेंगे उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो रही है। कोई भी कारण हो, कैसा भी कारण हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़े प्रयास किए, उपाय किए, फिर भी कुछ बात बन नहीं रही है, चाहे पहली शादी हो चाहे दूसरी शादी हो। 3 चीजें आपको चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। नंबर 1, राम सीता या सीता राम की फोटो या प्रतिमा, तुलसी का पौधा अगर हो तो बढ़िया, ना हो तो कोई बात नहीं, और तुलसी की माला जपने वाली, और इसके अलावा एक मंत्र जिसको आपको याद करना है। तो राम सीता की फोटो हो गई या मूर्ति हो गई, तुलसी का पौधा है घर पे तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, और एक तुलसी की माला। और जो चौपाई है रामचरितमानस की, या मंत्र कह लें चौपाई कह लें, वो ये है, सुन सीहे सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तिहारी। इसको याद कर लीजिए। किसी भी विशेष और शुभ मुहूर्त में आसन वासन लेके बैठ जाइए अच्छी तरीके से, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। प्रातःकाल या सायंकाल दोनों में से कोई भी एक वक्त चुन लें अपनी सहूलियत के हिसाब से। तुलसी सायंकाल में अगर करते हैं तो तुलसी जी के समक्ष भी दीपक जलाएं, और घर के मंदिर में भी जो भी है वहां पर भी दीपक जलाएं, या घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं और वहां से आरती ले जाकर दीपक को घर के मंदिर में रख दें और तुलसी जी के समक्ष बैठकर इसको प्रार्थना करें। कैसे भी कर सकते हैं, भगवान श्री राम और सीता का आशीर्वाद लेते हुए आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है तुलसी की माला से, और अच्छी तरीके से इसको याद करने के बाद शुद्धता का विशेष ध्यान रखेंगे। महिलाएं कर रही हैं, पीरियड से मासिक धर्म आती है, उन दिनों पर अवॉइड करें, बाकी फिर से शुरू कर दें जैसे ही सही हो जाते हैं। लगातार 41 दिनों तक करना है, 41 दिनों के अंदर आपका विवाह के बंद रास्ते खुल जाएंगे, या तो 41 दिनों में कहीं रास्ता तय हो जाएगा आपका शादी का, या फिर आपको कोई ना कोई अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब भी ये करें, धूप दीप बत्ती जलाकर शुद्धता के साथ, वातावरण अच्छा करके, साफ सफाई के साथ करें, भगवान का ध्यान करते हुए करें। अपने मन में कैसी मनोकामना है आपके वर या वधु की, वो मनोकामना ईश्वर को बताएं तो वैसा ही वर या वधु आपको अतिशीघ्र मिल जाएगा। सिंपल सा बिना खर्चे का उपाय है, थोड़ी सी मेहनत है, 41 दिन का धैर्य है। अगर आप लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो आपकी बहन या माता जी आपके लिए यह प्रयोग कर सकती हैं, उसका भी आपको लाभ मिल जाएगा। अब हो गई आज की विशेष की बात। विशेष के बाद मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को राजवर्त रत्न लेना है वो लोग जल्दी बुकिंग कराएं, क्योंकि बड़ी तेजी से रत्न हाथ से निकलता जा रहा है, यानी बुकिंग बहुत तेजी से हो रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या आपको अपना फायदा देखना है तो जल्दी करिए, सोचिए विचारिए, लेकिन जल्दी करिए। राजवर्त रत्न जिसको चाहिए एल लिखकर दिए गए नंबरों पर मैसेज कर दें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के राशिफल की। कमाई के साथ साथ आज खर्चे भी बढ़ेंगे। आपके बिगड़े हुए रिश्ते जिनसे दिलों का प्यार है लेकिन रिश्ते बिगड़ गए, कल तक घुलते मिलते थे, बैठते उठते थे, लेकिन आज तकलीफ हो गई दो रिश्तों के बीच में, तो उन रिश्तों में मरहम लगाने का आज दिन है। आज फिर से गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जीवन जीने का दिन है, और आगे भी इन रिश्तों को बनाकर रखने का दिन है। कोई यात्रा या कोई प्लानिंग या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो अचानक से बदल सकती है, या पोस्टपोन हो सकती है, या बिल्कुल ही स्थगित हो सकती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज अपने
जो भी तैयारी है पढ़ाई लिखाई की, उसके लिए अपने टीचर या अपने दोस्त या अपने बड़े घर के कोई भी हों जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेंगे। आज पैसों को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके मन में विचार आएगा कि जो मैं कर रहा हूं और जो मैं कर सकता हूं, क्या ये सही है? मैं जो कर रहा हूं और जो मैं कर सकता हूं, क्या दोनों एक ही चीज है? तो आज आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि आप जो कर रहे हैं, क्या पता आप इसके लायक नहीं है, इससे बड़ी चीज के लायक हैं। तो आज आपका मन कर सकता है कि मैं और तैयारी करके इस चीज को छोड़कर किसी और चीज में आगे मूव करूं जो आपके मन की है। या आप ऐसा भी कर सोच सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरी हैसियत का नहीं है, लेकिन मुझे ईश्वर ने मुझे इज्जत बख्शी है, प्यार बख्शा है, आशीर्वाद बख्शा है कि मुझे ये चीज मिल गई। यानी कि हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी ईश्वर ने हमें दिला दिया। तो ऐसी दोनों तरीके की धारणाएं आपके मन में आ सकती है। और तीसरी धारणा और भी मन में आ सकती है, वो ये है कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैं आज की डेट में मेरा काम है, जो मैं जिसको मैं वर्षों से करता आ रहा हूं, क्या मैं इसको छोड़ दूं, कुछ नया कर लूं? मैं तो कुछ और भी कर सकता हूं, मेरे अंदर तो ये भी गुण है, मेरे अंदर तो वो भी गुण है। ऐसे विचारों से आज आप ग्रसित रहेंगे तो कंफ्यूजन वाली स्थिति भी बन सकती है। आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आज इतनी जल्दबाजी में आपकी 100 की स्पीड भी पार करने का मौका मिले तो वो भी 110 पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अचानक से कुछ बेहतर भी आज होगा। यानी आज जल्दबाजी भी होगी, द्वंद भी होगा, अपने आप से लड़ेंगे कि मैं हूं क्या और मुझे करना क्या है, मेरे अंदर गुण क्या है, मैं बना किस लिए हूं। आज ऐसी कश्मकश वाला दिन रहेगा जब इंसान खुद से बातें करता है। वक्त सही है, जल्दबाजी में काम करें लेकिन सावधानी के साथ। सट्टेबाजी से या शेयर मार्केट से बुद्धिमानी से पैसा कमाया जा सकता है, जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में। आज अगर आप पैसा बचाते हैं तो किसी का उधार भी उतार सकते हैं। आंख नाक कान में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जो भी घर के बड़े हैं उनका सलाह लेना आज आपके लिए लाभदायक हो सकता है। घर के हों या बाहर के हों, कहीं के भी हों, कार्य क्षेत्र में हो चाहे व्यापार में हो, सीनियर लोगों की बात आज आपके काम आ सकती है। आज बड़े से बड़ा दिमागी कोई क्विज या कोई परीक्षा या प्रतियोगिता में बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, अगर उसमें बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, या उसकी कोई तैयारी करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आज आपका दिमाग चतुर सिंह से भी चतुर होगा, यानी तेज दिमाग वाले होंगे और जल्दबाजी में काम निपटाने की कोशिश में कहीं गलती मत कर बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। आज बहुत अद्भुत दिन रहेगा आपके लिए जब आप स्वयं को परखेंगे, स्वयं को तराशेंगे और स्वयं को जान जाएंगे कि आप किस लायक हैं। और जब इंसान खुद की कीमत समझ जाए तो फिर उसको अपनी सही जगह पे फिट आसानी से कर लेता है। तो ऐसे दिन अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होते हैं जब आपको आपकी पहचान होती है। तो आज आपके हाथों में चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, क्योंकि आज आप खुद को परखने वाले हैं। और जिस दिन आपने खुद को परख लिया, उस दिन समझ लीजिए आपका जीवन बन गया। समझ रहे हैं आप? हो सकता है कि आपकी कीमत सोना हो और आप चांदी के दाम पर खेल रहे हो, और हो सकता है कि आप को ईश्वर ने इतना प्यार और इज्जत और आशीर्वाद दिया हो कि आप किसी लायक नहीं थे, लेकिन आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, ईश्वर का आशीर्वाद और आपकी मेहनत। तो अच्छे कर्म करिए, सब काम बन जाएंगे। बाकी माता पिता की सेवा करिए, शादी हो गई तो धर्म पत्नी का साथ दीजिए, प्रेम संबंधों में कड़वाहट मत लाइए और जल्दबाजी में काम ना करिए, क्रोध तो बिल्कुल भी ना करिए। अच्छा दिन है कुंभ राशि वालों के लिए। शिव जी की उपासना करिए, गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप करिए ताकि बुद्धि में द्वंद्व ना रहे, बुद्धि निर्मल रहे। माँ सरस्वती का ध्यान करिए, हनुमान जी का ध्यान करिए, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। और राजवर्त रन बुक कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए अगर आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है। हरिओम, नमस्कार।